नमस्ते। गर्मी की सीजन आ रही है तो हमें कुछ ठंडा खाने का मन होता है, तो आज हम कुछ ठंडा बनाएंगे। केसर मलाई कुल्फी। उसके लिए हमें चाहिए 2 लीटर दूध है। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो आधा 1 लीटर दूध ले लें, और थोड़े से बादाम है जो मैंने काट के रखे हैं, थोड़े पिस्ता है, हाफ कप शुगर है और थोड़ा सा केसर। तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने दूध गरम करने के लिए रख दिया है गैस पे। गैस की फ्लेम धीरे रखनी है। दूध में अभी से हम केसर डाल देंगे ताकि केसर दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए और कलर भी अच्छा आ जाए। दूध हमें 1/4 तक शुरू रखना है। जब तक 1/4 तक हो जाए तब तक गैस पर। अब दूध हमारा हाफ बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें शुगर और बादाम पिस्ता डालेंगे। ये हाफ कप शुगर, बादाम, पिस्ता, अभी हमें और करना है, 1/4 तक करना है। पर ये याद रखना कि दूध हमें फुल क्रीम लेना है। अब दूध हमारा 1/4 हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। हम बाउल में ले लेते हैं और रूम टेम्परेचर जितना ठंडा हो जाए उतना हमें ठंडा कर। अब हमारी मलाई, केसर मलाई ठंडी हो चुकी है, तो अब हम कुल्फी के मोड में भरेंगे इसको। अगर आपके पास कुल्फी का मोड नहीं है तो आप ग्लास में किसी में भी भर सकते हैं। अब हमारी कुल्फी भर चुकी है। अब हम इसको बंद कर देंगे। मैंने 2 लीटर दूध से बनाई थी इसलिए ये 6 का हुआ और 3 इतना हुआ। अगर आप इतने नहीं बनाना चाहते तो 1 लीटर दूध का भी कर सकते हैं। अब हमारी ये कुल्फी रेडी हो चुकी है फ्रीजर में जाने के लिए। अब हम इसे कम से कम 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे। आप चाहे तो पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं, पर कम से कम 8 घंटा हमें फ्रीजर करना है। अब हमारी 8 घंटा हो गया है कुल्फी को फ्रीजर हुए। अब हम कुल्फी को बाहर निकालेंगे। ये कुल्फी रेडी हो चुकी है। ये अब ये यहाँ से निकाली है। ये कुल्फी हमारी रेडी है। ये कुल्फी आप फास्टिंग में भी खा सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ दूध से बनी है। इसको हम केसर पिस्ता और बादाम से गार्निशिंग करेंगे। अब हमारी कुल्फी रेडी है। ये एक हमने जो मोड में डाली थी वो वाली है, और ये हमने दूसरे मोड में डाली थी वो है। देखो ये हमारी कुल्फी बहुत ही यम्मी और समर में खाने जैसी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।